राशि तुला राशि नंबर 7, आज हम लिब्रा की बात करेंगे। अगर आपके लग्न में और राशि चंद्र राशि में 7 नंबर यहाँ लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिए। आपका वार्षिक फल होगा 2023 का, नोट कर लीजिए। शनिदेव जो आने वाले हैं 2023 में आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, राहु और केतु आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे और केतु महाराज जो है वह आपके लग्न में बैठे होंगे पूरे वर्ष। यह आपका डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है वार्षिक। साथ ही साथ हम शनि महाराज की 3री, 7वीं, 10वीं और बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि को लेके चलेंगे। कर्म धर्म अधिपति योग देखेंगे, चांडाल दोष देखेंगे, श्रापित दोष देखेंगे और इनका जो व्याख्यान है मैं अपने शब्दों में आपको कहूँगा। किसी प्रकार की सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए, शनि महाराज आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में, 3री दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव में। तो भाई प्यार, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका करवाएगा, इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है। 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि जो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली पे पड़ रही, शादी होते ही बच्चों में डिले मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फैमिली प्लानिंग आपको जुड़ी है, शादी के साथ ही आपको फैमिली की तरफ बढ़ना होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और बृहस्पति देव राहु देव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, केतु यहाँ पे बैठा है, कर्कशा दोष बना रहा है, तो शादी जिन लोगों की होने वाली है इस वर्ष, जो खासकर तुला राशि तुला लग्न वालों को 18 महीने तक बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, तो प्रॉपर रेमेडी आपको करनी है। आपके लिए आर्थिक रूप से यह समय मध्यम रहने वाला क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि है, तो स्लो चलाएंगे, शनि शनिश्चराय नमः, इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी करने से आपको बचना है, डिसीजन लेने से आपको बचना है। यह वर्ष आपके लिए, अगर मैं कहूँ एक वर्ड कीवर्ड है वह है नॉर्मल, तो यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि राहु और केतु जो है वह आपके सप्तम और लग्न पर रहेंगे। सोचना, जब सोचते हैं कुछ तो नियंत्रण करके ही सोचना है। इस साल आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शनि महाराज पंचम भाव से दृष्टि दे रहे हैं आपके दूसरे भाव में, तो ईटिंग हैबिट्स सही बना के रहिएगा, कम बर्गर खाइएगा, कम पिज्जा खाइएगा, डेट पे जा रहे हैं तो कुछ सात्विक खाइएगा, नहीं तो आपके स्टमक की प्रॉब्लम करेगा और आपकी जो डेट्स हैं और जो भी आपके मीटिंग पॉइंट चल रहे हैं वो सारे पेंडिंग हो जाएंगे। सो अनियंत्रित समस्याएँ आएंगी जो चिंता का कारण बन सकती हैं, इसलिए इस साल आपको शॉर्टकट में शामिल नहीं होना चाहिए, अवॉइड शॉर्टकट एटीट्यूड दिस ईयर। तो शॉर्टकट कहीं नहीं अपनाना है जो आपके लिए बाधा बन सकती है। तो देखिए अल्टीमेटली नॉर्मल साल आपका रहने वाला है, ये मैंने बात आपको बता दी है। यह वर्ष आपके दांत जरूर खट्टे कर सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया शनि महाराज जो है आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में, लग्न में, तो ये जो भाव है ये ओवरऑल बहुत बेहतरीन नहीं है, ठीक ठाक है, ज़िंदगी निकल जाएगी। 2023 जो है बड़ा ब्रेकअप नहीं देगा, खासकर स्विचिंग करने से आपको बचना है। पंचम भाव में जैसा मैंने आपको बताया है शनि देव के गोचर करने से आपके प्रेम जीवन तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में जो राहु है वैवाहिक जीवन का खेल बिगाड़ सकती है, तो 18 महीने ध्यान रखना है। जीवन साथी से अनबन और उनपे शक करने का माहौल ये दे सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ मतभेद बना सकता है, गलत डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर सकते हैं, नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो केतु क्योंकि आपके तुला में है तो सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अप्रैल तक जो बृहस्पति देव है आपके बाद आपके 6ठे भाव से चलेंगे, तो 6ठे भाव से गुरु के गोचर करने के कारण आपका भाग्य जो है वो धीरे रह सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं अपने ज्ञान की बदौलत, लेकिन ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता है। तो नॉर्मल ये साल आपका रहेगा 2023। अगली वीडियो होगी वृश्चिक राशि के लिए, इंतजार कीजिए। ज्योतिषघर एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योतिषघर.in वेबसाइट से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो भाई आप हमसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेड हेड, टम्बलर पर जुड़ सकते हैं, अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने, खासकर इंस्टाग्राम पर।
परंतु 60 दिन का आपको बैरियर होगा। तो यहाँ पे इजाजत दीजिए, जय जय शनिदेव, जय बृहस्पति देव।